हेलो फ्रेंड्स, घी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लेके बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। बहुत सारे इसके सपोर्टर्स भी हैं, बहुत सारे एंटागोनिस्ट भी हैं। कई लोग उसको बहुत अच्छा बोलते हैं, कई लोग बहुत बुरा बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ठंड के मौसम में यानी विंटर सीजन में घी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है इसके फ़ायदे, क्या है इसके नुकसान, क्या हर व्यक्ति को घी लेना चाहिए और यदि लेना चाहिए तो किनको, किस कारण से, और जिनको नहीं लेना चाहिए तो उनको क्यों नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इस बारे में बहुत सारे लोगों के प्रेजुडिसेस हैं कि लोग, कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बुरा बोलते हैं। जो अच्छा बोलते हैं वो हमारे जो नेगेटिव पॉइंट्स उनको कमेंट करते हैं, बुरा बोलेंगे, और दूसरी तरह के लोग भी अवेलेबल हैं। तो इसलिए इसको हम एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे और बाद में आपका जजमेंट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये लेना है कि नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। घी न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच है। इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, ये बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में काम करता है। ये सारी चीज़ें विंटर में हमारे लिए ज़रूरी है, खासकर विटामिन डी, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप ज़्यादा निकलती नहीं है, इसकी वजह से आप बाहर नहीं निकल पाते हो, और बाहर नहीं निकलते तो सनलाइट के एक्सपोजर से जो बॉडी में, स्किन में विटामिन डी बनता है वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है और हेल्थ बिगड़ती है। तो विटामिन डी आपको अलग से घी में मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा घी का स्मोक पॉइंट ज़्यादा है तो अलग अलग तरह की कुकिंग में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कुकिंग करने के हिसाब से ये अच्छा है। हाई टेम्परेचर्स पर भी अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो यूज़फुल है। कई तरह के जो अच्छे बाकी ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, ये सब चीज़ में ये प्रॉब्लम आती है कि स्मोक पॉइंट कम रहता है। इनमें जब भी आप कोई चीज़ों को पकाते हैं तो वो तेल ख़राब हो जाता है, स्मेल आने लगती है, रैंसिड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यूज़ करने में दिक्कत आती है, उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं। तो घी में इसमें एडवांटेज है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर्स पर भी इसमें खाना पका सकते हैं, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके अलावा घी एक अच्छा फ्लेवर और अरोमा देता है जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। बहुत सारी तरह की डेलिकेसीज जो घी के बिना बन ही नहीं पाती हैं या उसके बिना फ्लेवर ही नहीं आता, वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। दाल बाटी की अगर हम बात करें या पाव भाजी की बात करें या बहुत सारी मिठाइयों की बात करें, इसकी लिस्ट एंडलेस है, जिसमें लोग हमेशा मान के चलते हैं कि जहाँ देसी घी अगर नहीं पड़ेगा या बटर नहीं डलता है तो उसमें मज़ा ही नहीं आता, इसमें भी देसी घी को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छा फ्लेवर और एक अच्छा स्मेल इसमें आ जाता है, जो कि काफ़ी चीज़ों में खाना खाने में मदद करता है या एक अच्छा फ्रेगरेंस डेवलप करता है। इसके अलावा घी में कंपेरेटिवली लैक्टोज और केसिन थोड़ा कम रहता है, तो दूध से बने हुए बाकी प्रोडक्ट जो लोग नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टोज और केसिन जो है बाकी डेयरी प्रोडक्ट के कंपेरिजन में कम होता है, जो कि इसको लोगों को पचाने में ज़्यादा इजी बना देता है। तो जो लोग दूध से बने हुए पदार्थ नहीं ले सकते वो घी ले सकते हैं, तो दूध के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे और इनडाइजेशन भी नहीं होगा। ट्रेडिशनली बहुत सारी इसको नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इसको डाला जाता है, रोटी वगैरह में लोग लगाते हैं बहुत सालों से। इंडियन क्विजिन में तो इसको काफ़ी यूजेबल माना जाता है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर वो करना चाहें तो ठंड के मौसम में कर सकते हैं, इसमें बुराई ज़्यादा नहीं है। जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ऐसा माना जाता है कि इसको लेने से जॉइंट में जो लुब्रिकेशन है, फ्रिक्शन कम होने का जो प्रॉपर्टी है, वो कंपैरेटिवली बेटर होगा अगर हम घी को रेगुलर लेते हैं। हमारे जॉइंट्स में जो घर्षण होता है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। ये एक तरह से फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप घी को डायरेक्टली जॉइंट पर लगा दोगे तो अच्छा हो जाएगा, पर हाँ, घी खाने से थोड़ा जॉइंट का लुब्रिकेशन बेटर होता है। इसके अलावा स्किन पर इसको लगाने से घी में फैटी एसिड्स वगैरह जो रहते हैं वो स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं। डाइट में लेने से ड्राई स्किन में बेनिफिट होता है, जो कि विंटर में वैसे भी बढ़ जाता है, और इसके अलावा स्किन पर भी कई लोग लगाते हैं तो उस मामले में ये बुरा नहीं है। तो ठंड के टाइम जब ड्राई स्किन का या स्किन मुरझा जाने का या मॉइस्चर कम हो जाने का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ये काफ़ी उपयोगी है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठंड के टाइम वैसे भी जुकाम खांसी सब ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों में घी लेने से थोड़ा सा इम्यूनिटी अच्छी होती है और इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम होने का चांस कुछ कम हो जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी रिकमेंडेड है कि विंटर के यानी ठंड के मौसम में आपको घी ज़्यादा लेना चाहिए। इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसकी वजह से जो वात दोष है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और ठंड के मौसम में जहाँ वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा सूखा है, ड्राइनेस वगैरह है, या जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है वहाँ पर वात दोष ज़्यादा होता है, वहाँ पर घी को लेने से फ़ायदा मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में भी इसके बारे में अच्छा बताया गया है। इसके अलावा वो घी जो उस दूध से बनाया जाता है जो गाय को आप सिर्फ घास खिलाते हो, गाय को बेसिकली दो तरह से खिलाया जा सकता है। एक उनको सिर्फ घास खिलाया जाता है
और एक को आप उनको चने या दूसरी तरह का चारा खिलाते हो। तो जो लोग गाय को सिर्फ घास खिलाते हैं, उस तरह की गाय से अगर आप दूध लेते हो तो उसके दूध से जो घी बनता है उसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, ये एक फैटी एसिड है जिसके हेल्थ बेनिफिट्स है, और ये एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है, सूजन को कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी अलग अलग तरह के जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में सेल्स को डैमेज करते हैं उसको भी कम करता है, यानी ग्रास फेड गायों का, यानी वो गाय जिसका घास जिनको खिलाया गया है उनसे अगर हम दूध निकाल के उसका घी बनाते तो ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। पर इसमें कुछ बुराइयाँ या कुछ प्रॉब्लम्स भी है। एक तो ये कैलोरी डेंस है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो वजन बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि ये कैलोरी डेंस चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा लगाएंगे तो वो टेस्ट के हिसाब से फ्लेवर के हिसाब से अच्छा है, पर यदि आप रोटी में और सब चीज़ों को घी में डुबा डुबा के पूरा बनाएंगे, या उसमें एक साइड घी लगाने के बदले हर तरफ घी लगाएंगे, या कोई सब्जी या कोई चीज़ बना रहे हो उसमें बहुत सारा घी डालेंगे, तो ये कैलोरी का सोर्स है, और कोई भी चीज़ को एक तरह से अगर आप फ्राई करते हो तो उसमें भी कैलोरी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल वो हेल्दी के बदले अनहेल्दी हो जाता है। फैट्स इसमें ज़्यादातर सैचुरेटेड है, और अभी तक ज़्यादातर रिसर्चेस यही कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट होने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है, ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ बिगड़ती है, और विंटर में वैसे भी हार्ट अटैक होने का, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के बिगड़ने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए ठंड के टाइम आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लें तो अच्छा है फैट के हिसाब से। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, जो विटामिन वगैरह की कमी है तो आपको ये फ़ायदा करेगा, यदि ऑलरेडी वो विटामिन मिनरल्स बॉडी में है तो उसको लेने का उतना मतलब नहीं है। जहाँ तक स्मेल और फ्रेग्रेंस का भी सवाल है, हर व्यक्ति का अपनी प्रेफरेंस होती है, किसी को फ्रेग्रेंस पसंद आएगा किसी को नहीं। ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन क्विजीन में जहाँ इसको ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ लोग को ज़्यादा पसंद आता है, कुछ एरियाज इंडिया में भी है जहाँ नहीं यूज़ होता है वहाँ कम पसंद करते हैं लोग, फॉरेन कंट्रीज़ में भी कई लोग नहीं पसंद करते तो नहीं यूज़ करते हैं, तो वो आप प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। बेसिकली मॉरल ये है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, फैट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको ये नुकसान कर सकता है, थोड़ी मात्रा में बाकी तेल घी के बदले अगर इसको लेते हैं तो कंपैरेटिवली देसी घी आपके लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।